बारे में हाइलाइट्स, और वो भी मैंने ही किए थे, ये कहीं और नहीं जाती। और अब ये इतना नीचे आ गया है और ये ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करने लगी हूँ और इसका बेस कलर भी चेंज करने लगी हूँ। अच्छा, ये अल्ट्रा वायलेट शैम्पू है, यानी कि पर्पल शैम्पू ब्रीमार्ट का, और ये किल करता है येलो टोन को। जो बालों में येलो टोन आ जाती है ना प्री लाइटनिंग से या फिर वॉश करने से, तो ये उसका एंटी कलर शैम्पू है जो कि येलो टोन को ख़त्म कर देगा। एंड नेक्स्ट ये है कलर प्रोटेक्टिव शैम्पू, ये कलर को बहुत अच्छी केयर करता है, कलर इससे जल्दी जाता नहीं है। अगर इससे वॉश किया जाए वीक में दो बार कलर को, तो कलर अपनी जगह से हिलता नहीं है बिल्कुल भी, वो अपनी जगह पर ही रहता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट देता है। एंड लास्ट ये कंडीशनर है, इससे बालों को वॉश करेंगे ताकि बालों में सॉफ्टनेस आए, शाइनिंग आए। और ये सिल्की ब्रांड का कंडीशनर है, बहुत अच्छा है, रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइनेस को, फ्रिजनेस को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाए। और इसके बाद हम एक सीरम भी यूज़ करेंगे, वो भी बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। इतना सा यूज़ करना, इससे ज़्यादा बिल्कुल यूज नहीं करना, ये येलो टोन को किल कर रहा है। जितने भी बालों में येलो टोन आ रही होती है, पीले वाले जो बाल होते हैं, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू है या इसको आप ब्लॉन्ड परफेक्ट ब्लॉन्ड शैम्पू कह रहे हैं, अच्छे से मसाज करना सारे बालों में। कलर ट्यूब 9.1, और इस कलर का जो रेशो है वो 1:1 है। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ट्यूब, और ये है हमारा लिफ्टर या इन्हेंसर 0.00। ये मैं डालूँगी हाफ ट्यूब मैक्सिमम, 50 ml हो सकता है, तो हम इसको उसका आधा डालेंगे, मतलब के 25 ml। इसके बाद हम इसका वॉल्यूम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 30 volume, सेम ब्रांड का। ये मेरे पास है मेजरिंग बीकर, कितना यूज करेंगे सेम 75 ml। ये हो गया हमारा 70, ये हो गया हमारा 75 ml। प्यारा लग रहा है ना।
आप देख सकते हैं इसमें कलर लेवल कितनी तेज़ी से स्पीड से चेंज हो रहा है। अच्छा, मैंने 30 वॉल्यूम इसलिए लगाया था ताकि जल्दी कलर लिफ्ट हो जाए, और कलर लिफ्ट हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा, लेकिन जो हमें डिज़ायर लेवल चाहिए वो परफेक्ट अभी नहीं आया। हमें 10-20 मिनट्स और देने पड़ेंगे ताकि हमारा डिज़ायर लेवल आ जाए। अब मैं कर रही हूँ रूट टचअप। जो रूट्स हमने छोड़े थे, क्योंकि 30 वॉल्यूम अप्लाई किया था तो इसलिए रूट छोड़े थे, अब जो हमने रूट छोड़े थे मैं उस रूट को भी कवर कर लूँगी सेम कलर से। रिमरॉन का हेयर ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, बालों को सॉफ्ट करने के लिए, प्रोटीन करने के लिए, क्योंकि हमने 30 वॉल्यूम से वर्क किया प्लस हमने ब्लीच से वर्क किया है, तो ये मैं लूँगी 2 स्पून बालों के हिसाब से। ठीक है, अब हम ये सिलिकॉन रिमरॉन का, ये बालों को बहुत सॉफ्ट और शाइनी लुक देता है, ये मैं डालूँगी। जितनी हमने क्रीम ली है उतना ही हम सीरम डालेंगे, या तो सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जब हम वॉश बेसिन पे जाएंगे, हेयर को वॉश करवाएंगे बहुत अच्छे से शैम्पू के साथ, उसके बाद मैं उसी वक्त ही अप्लाई करूँगी हल्के गीले बालों में, रूट छोड़ के 10 मिनट का मसाज करूँगी, 5 मिनट मसाज करूँगी। आप चाहें तो उसको आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसको सादे पानी से वॉश करके सिर्फ कंडीशनर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा कलर लेवल आपको भी नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छा। इस ब्रांड पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर किया है, और इसने बहुत अच्छा कलर लेवल है। जो डिज़ायर कलर था, जो मेरी फ्रेंड को चाहिए था, जो मैंने इमेजिन किया हुआ था, सेम वही कलर लेवल किया है। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी, आपकी मिक्सिंग कलर मिक्सिंग अच्छी होगी, आपने रेशियो बहुत अच्छे से लग किया होगा, वॉल्यूम की सिलेक्शन अच्छी की होगी, तो आपका कलर कभी भी खराब नहीं होगा। सारे बालों को अच्छे से वॉश करेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कलर प्रोटेक्टिव शैम्पू। आपको कलर बहुत अच्छे से वॉश करवाना है किसी भी अच्छे कलर प्रोटेक्टिव शैम्पू से। मैं यहाँ रिमरॉन का यूज़ कर रही हूँ। ये स्कैल्प से लेके तक लेंथ तक बहुत अच्छे से लगाना है, कलर आपको बहुत अच्छे से निकालना है। अगर आप कलर केयर शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। क्लाइंट को भी कलर के शैम्पू ही रिकमेंड करें ताकि वो आपसे आपके काम में शिकायत ना करें। और हम इसको सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करेंगे, रूट में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे लेंथ को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो हम इसको लेंथ पे अप्लाई करेंगे, और हमारे जो हाथ में लगा हुआ होगा थोड़ा बहुत वो हम ऊपर लगा देंगे, लेकिन जो बेसिकली हमें अप्लाई करना है वो सिर्फ लेंथ में करना है। कुछ कंडीशनर्स ऐसे होते हैं जो कि आप लेंथ में अप्लाई करने के साथ साथ रूट में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बालों को सॉफ्ट करता है, और जब आपके रूट को सॉफ्ट कर देगा तो आपके बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। सही। अब हम इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर हम आपको फाइनल रिजल्ट सिखाते हैं। सीरम सिल्की का, ठीक है, ये बालों को सॉफ्ट करेगा, शाइनी करेगा, और उसके अलावा मैं आयरन करूँगी, ब्लो ड्राई करूँगी, तो उसको ये सेफ साइड रखेगा। इस तरह से लेके सारे बालों में बहुत अच्छे से अप्लाई करना है।
बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है, ये बालों को रिफाई कर देता है। आप इनका कलर देख सकते हैं, बालों को देख सकते हैं, ज़रा से भी बालों में ड्राइनेस नहीं आई। अभी मैं इसको ड्राई करके भी आपको दिखाऊंगी और इसका फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लग रहा है। ये देखें आप लोग फाइनल रिजल्ट्स। ये इनका हेयर कट पहले से हुआ हुआ था, मैंने सिर्फ इसको ब्लो ड्राई लुक दिया है। ये देखें बस अच्छी आ रही है। चलो और करवाओ, मेरे साथ मुझे बड़ा शौक है मॉडलिंग का।